हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सुरेंद्रा स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 1 और 2 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों के बारे में। दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया है, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे, चाहे वो यूपीएससी से लेकर नीचे तक के, एचटेट हो गया, सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, या यूपी पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, या कलर्क हो गया, या पटवारी हो गया, हर एग्जाम के लिए जब आपका जीके शब्द आ जाता है तो जीके का मतलब हो जाता है एनसीईआरटी, जो आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, छठी से लेके बारहवीं तक का वो ज्ञान आपसे दोबारा पूछने की वो कोशिश करना चाहता है। तो जो भी एग्जाम टेंथ लेवल तक का होता है, इसका मतलब आपको नॉलेज टेंथ लेवल तक का होना अनिवार्य होता है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी बच्चों से खरीदेंगे उनको, या बुक सेलर से लेने के बाद उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हमने आपके लिए कंसेप्ट लेके आए हैं जिसमें बहुत कम समय लेते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करने भी लगोगे तो आपको लगभग एक चैप्टर को कवर करने में 15-20 मिनट लग जाने हैं, वहीं पर आपको 4 मिनट के अंदर अंदर वो टॉपिक आपको कवर कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारी दूसरी जो वीडियो है एनसीईआरटी से ही जुड़ी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना दिया गया है एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमारा, हमारे जो ये चैनल है आपका यूट्यूब चैनल सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन, तो इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर मिलेगा, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप देखेंगे तो उसका लिंक हमने भेज दिया है, जहां से आप पिछली क्लासों की एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस चैप्टर की। देखते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं संसाधन क्या होते हैं। संसाधनों में हम देखेंगे जो संसाधन होते हैं मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, उसमें आप देखेंगे पेटेंट होता है किसी किसी का। पेटेंट शब्द का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, कि जिसने वो आविष्कार कर दिया है उसको अगर आगे जो यूज किया जाएगा उसे उसके रूप में कुछ पैसा उसे चुकाना पड़ता है। तो दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते थे। तो जो अगर आपकी दादी जी ने कोई अच्छी सी औषधि के बारे में जानते हैं, उसका जो नुस्खा है जिससे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, छोटा सा नुस्खा है, अगर उसको पेटेंट कराया जाता और मेडिकल को फर्म को दिया जाता तो उससे आज आपकी दादी का जो नुस्खा है उससे पैसे कमाए जा सकते। तो आप देख रहे हैं कुछ लोग इससे खूब सारा पैसे कमा रहे हैं, अपने किसी भी रिसर्च को पेटेंट करा लेते हैं। तो बात करते हैं वाणिज्यिक मूल्यवान जो कहा। अब जो उत्पत्ति के आधार पर जो आपके संसाधन होते हैं, एक होते हैं अजैविक, अजैव, और एक होते हैं जैव संसाधन, उनको दो भागों में बांटा गया। फिर प्राकृतिक संसाधनों को जो विस्तृत रूप से एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय के रूप में बांटा गया है। अब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा ऐसी हैं जो जिनका नवीकरण हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकती हैं। फिर बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं या लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, तो कोयला पेट्रोलियम कैसा संसाधन है? तो आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, साधारण सा क्वेश्चन आ जाता है, तो जो बिजली कोयले से बनाई जाती थी तो कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। और आज हमने बिजली बनाना सीख लिया है, किससे सीख लिया है? पवन से सीख लिया है, सूर्य से सीख लिया है, सौर ऊर्जा से। तो ये किस कौन सा संसाधन हो गया? नवीकरणीय। तो आपने देखा संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब बात करते हैं संसाधन का भंडार। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। तो हमारे पास संसाधन कितना उपलब्ध, कितने संसाधन उपलब्ध होते हैं हमारे पास, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, हमारी एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में, ये कैसे काम करते हैं। आप जानते होंगे, क्या आप जानते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या वह निर्जन है। तो आपने देखा विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो सिर्फ 30% भाग पर ही रहती है, तो 70% भूमि ऐसे ही है। तो आप देखेंगे भूमि के बारे में, देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस रखती है आपकी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें देशों के नाम दिए हुए हैं और उस देश की भूमि को किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिया जो है फसल भूमि के लिए 6 इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चारागाह के लिए, तो ग्रासलैंड ज्यादा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है,
ऑस्ट्रिया में पाया जाएगा, 56% है, जो वन 14% और अन्य 24 हो गया। फिर ब्राजील, ब्राजील में फसल भूमि 9% है, चारागाह जो देख रहे हैं 20 है और वन 66 है, और उसके बाद 5 है। कनाडा में 5, 4 और अन्य के लिए कनाडा में कितना है 52, तो अन्य के लिए सबसे ज़्यादा कनाडा में इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं फ्रांस का, देख रहे हैं आप 35, 21, 27, 17, चीन में भी देख रहे थे आप। फिर भारत में, भारत में जो है ज़्यादा मात्रा में जो यूज होती है, भारत में जो कृषि फसलों के लिए जो भूमि होती है, भारत में भूमि फसलों के लिए 57% हो गया। फिर जापान में देख, जापान में क्या है, जापान में जो भूमि इस्तेमाल की जाती है ज़्यादा मात्रा में, वो वनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, 67%। रूस में आप देखेंगे अन्य के लिए है। फिर उसके बाद आपने देखा विश्व का टोटल देखा, यहाँ यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो पूरे विश्व में 11% जो बनता है फसल भूमि बनता है, जो 26% जो बनता है चारागाह बनता है, और वन के लिए 31% बनता है, और अन्य उपयोग के लिए 32 बनता है। तो आपने यहाँ मेन इंपॉर्टेंट देखा, चारागाह के लिए भूमि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ऑस्ट्रिया के अंदर, और फसल के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है भारत के अंदर। तो ऑस्ट्रिया चारागाह और फसल भारत, और जापान किस लिए, वन भूमि के लिए जाना जाता है, और कनाडा अन्य भूमि के लिए। तो आपने देखा देशों में, चयनित देशों में भूमि उपयोग कैसे कैसे किए जाते हैं। तो ये विश्व के कुछ देश देखे जिनमें भूमि का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है, यहाँ पर एक चक्कर देख रहे हैं, भूमि उपयोग के समय अनुसार परिवर्तन कैसे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो आप देखेंगे, गाँव कैसे बसते थे, लोग कैसे काम करते थे, खेतों में कैसे मकान बनाते थे, और रास्ते कैसे होते थे, फिर रास्ते पक्के होना शुरू हो गया, ट्रैक्टर आ गया, डेवलपमेंट आना शुरू हो गया, तो ये सिनेरियो देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा है, और चौथे नंबर पे देख रहे हैं आप जब मेट्रो सिटी बन जाता है, कैसे वो भूमि, कृषि योग्य भूमि को कैसे परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये चक्कर आपका अभी भी चल रहा है। तो देखेंगे जिस इलाके में रूरल इलाका है, गाँव ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो एरिया यहाँ से शुरू होगा इस टाइप से, और फिर इस टाइप से बनते बनते, इस टाइप से बनते बनते वो धीरे धीरे इस टाइप्स का बन जाएगा। तो ये भूमि उपयोग देखा आपने। अब बात करते हैं जो मृदा होती है कृषि के लिए उपयोगी होती है। अपक्षय क्या होता है, मृदा में अपक्षय होता है जिसमें भूमि का उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। अपक्षय शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावृत सैलों का टूटना और अक्षय होना। तो जो मिट्टी कट कट के चली जाती है, बरसात होती है या कोई दूसरे अन्य जानवर, चारागाह में जानवर चरते हैं, तो उनके द्वारा जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित हो जाती है तो अपक्षय कहलाता है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जो भूमि की उपजाऊ शक्ति होती है वो आपके ऊपर वाली जो 1 सेंटीमीटर तक की जो भूमि होती है उसको बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब बात करें मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। सथल रूप मृदा के प्रकार हों, यहाँ देखेंगे आप सबसे ऊपर जो ह्यूम्स वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है, फिर बालू गाद कले के साथ उपमृदा होती है, पहली मृदा, फिर उपमृदा, और फिर अपक्षित चट्टानी पदार्थ होते हैं, फिर जनक चट्टानें होती हैं। तो ये मृदा परिच्छेदी का देखिए आपने, परिच्छेदिका मृदा, परिच्छेदिका का देख रहे हैं आप, पहले घास फिर मृदा के रूप में ये देख पा रहे हैं आप। तो दोस्तों आपने ये देखा, अब बात करते हैं यहाँ से देखेंगे आप मृदा के बारे में, कृषि कैसी होती है। वेदिका फार्म होता है, वेदिका फार्म आप देख रहे हैं कैसे होता है, वेदिका फार्म पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। फिर समोच्च रेखीय जुताई होती है, ये भी पहाड़ी इलाकों में होती है। वेदिका फार्म में क्या होता है, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि स्पॉट्स तय फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है। फिर आता है समोच्च रेखीय जुताई, यह एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो समोच्च रेखीय देखा आपने। फिर रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाएं यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे प्रकार की, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो आपने 3 टाइप्स का देखा यहाँ पर, एक वेदिका फार्म देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों में है जो आपका, दूसरा है समोच्च रेखीय जुताई है, समोच्च रेखीय जुताई देख रहे हैं, और तीसरा है रक्षक मेखलाएं। तो आपसे पूछ सकता है कहाँ पर कौन सी किस टाइप की फार्मिंग होती है। फिर बात कर रहे हैं जो जल, जो एक जल ही जीवन कहा जाता है, बात कर रहे हैं औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 135 लीटर जल का उपयोग करता है।
तो उसमें आप भारतीय हैं तो आपके लिए बोला गया है कि आप प्रतिदिन 135 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? बताया गया कि पीने के लिए एक व्यक्ति 3 लीटर प्रतिदिन इस्तेमाल कर लेता है लगभग, खाना बनाने में 4 लीटर करता है और नहाने में 20 लीटर इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद शौचालय फ्लिशिंग के लिए 40 लीटर इस्तेमाल करता है, वस्त्र धोने के लिए भी 40 लीटर प्रयोग करता है, बर्तन धोने के लिए 20% प्रयोग करता है और बागवानी के लिए 23%, जो घर में आप बागवानी मतलब जो फूल गमला लगा लेते हैं उसमें जो इस्तेमाल करते हैं वो 23% हो गया, या फिर सुबह सुबह सूर्य को पानी देते हैं ना नौकरी लेने के लिए, भाई सूर्य देवता को पानी देना होता है, तो ऐसे आप 23 लीटर। तो ये आपने देखा प्रतिदिन पानी प्रयोग जो किया जाता है और टोटल बना 135 लीटर, तो एक व्यक्ति भारत का 135 लीटर के लगभग पानी इस्तेमाल करता है। फिर देख रहे हैं यहाँ पर पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र में देखेंगे जब सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो जब एक जीव दूसरे जीव पर आधारित होता है जीवित रहने के लिए तो पारितंत्र कहलाता है। इसको भी आगे डिफाइन करेंगे पारितंत्र को। अब बात कर रहे हैं जो जानवर हैं, काजीरंगा उद्यान में हाथियों का झुंड देख रहे हैं यहाँ पर आप। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CICES का मतलब क्या होता है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। इस सूची में दिए गए सभी पक्षी और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य बनता है। तो आपने देखा कौन था वो, कौन सा बना संस्था बनाई गई थी, CITES। अब यहां देख रहे हैं जैव मंडल नीचे क्या होता है। वह वैश्विक नेटवर्क जो है, वह यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो जैव मंडल नीचे एक नेटवर्क बनाया गया पूरे वर्ल्ड पे जिसमें रक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जीव जंतुओं को बचाने के लिए, वो एक श्रृंखला बनाई गई है, इस संरक्षण विकास के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो जैव नीचे होता है जिसमें आप नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, फ्लोरा एंड फौना ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो में देखा आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ऐसा करते आपको वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे आपके लिए। और इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।